विकास त्रिपाठी नमस्ते सर जी, मैं फूल ठाकुर आपसे कुछ संवाद करना चाहता हूँ और केएमजे लोकहित कमेटी के सभी मेंबर गण से मैं एक अत्यावश्यक सूचना देता हूँ। इस पे सभी आदमी गौर कीजिएगा। मैंने 4 दिन पहले सेबी के ऑफिस में फोन किया था। सेबी के ऑफिस बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मुंबई में बात किया था तो 3 स्टाफ हमसे बारी बारी से बात किया। तो पहले मैं पूछा जो सर जी ये 15,000 वाला जो 15,000 से नीचे का जो बॉन्ड जमा करवा रहे हैं तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है और कैसे जमा किया जाएगा। तो वो लोग बोले जो यहाँ है वो ऑफिस में भी जमा करवा सकते हैं आकर के, उसमें आधार कार्ड पैन कार्ड प्लस कैंसल चेक सर्टिफिकेट ओरिजिनल चाहिए। तो मैंने बोला उनसे, उन सबसे मैं बात किया जो रिसीविंग में क्या देंगे, तो ये भी बताया जो आप रिसीविंग उसका जीरोक्स करवा करके और उस पर रिसीविंग आप ले सकते हैं जो सेबी के ऑफिस में आपने जमा किया है, या तो लेटर तैयार करके आइए रिसीविंग का, वो आपको मिल जाएगा रिसीविंग। फिर दूसरे से मैंने पूछा इसका समय कितना तक चलेगा, तो वो दूसरे को फोन लगा के दिए, वो तीसरे को फोन लगा के दिए, लेकिन ये एक एक घंटा तक फोन पे कोई आता नहीं था। जब फोन पे नहीं आया तो फिर कट करके फोन लगाया तो दूसरा मैडम उठाया, मैं नहीं था, ऐसा बोलती थी, मैं नहीं था, कोई और था, ठीक है। फिर वो बोलते थे मैं लाइन देता हूँ, वो लाइन दे करके फिर छोड़ देते थे, वो पड़ा रह जाता था 10-15-20 मिनट। फिर देखा मैंने नहीं कोई फोन पे बात कर रहा है, तो मैंने फिर कट करके वापस फोन किया, तो फिर एक जेंट्स उठाया, अब वो बोलते हैं जो मैं नहीं था। तो ऐसे सेबी के ऑफिस में लोग को बरगला रहा है। सेबी किसी को 5 रुपया देने वाला नहीं है और न देता है, ये झूठ अफवाह आप लोग फैलाना बंद करो। मैं तो बार बार बोलता हूँ अफवाह आप लोग फैलाना बंद करो जो सेबी पैसा देता है। सेबी गद्दार बन गया है इस देश का, सेबी गद्दारी कर रहा है सभी गरीबों के साथ और सरकार उसको साथ दे रहा है, केंद्र सरकार उसको साथ दे रहा है। सेबी केंद्र सरकार के अंदर में काम कर रही है, सब रुपया उसमें से निकाल के केंद्र सरकार अपना खर्चा कर रही है, जो भी कर रहा है। मैं तो सरकार को सबसे पहले मैं सरकार को दोषी देता हूँ जो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के बाद आज तक उस पैसा के बारे में कभी से भी खुल के नहीं बोला होगा जो हमारे पास पैसा है हम पेमेंट करेगा, ठीक है। उसके बाद मैंने, ठीक है, मैं फ्राइडे को ऑफिस गया, सेबी के ऑफिस में गया, सेबी के ऑफिस में मैं छुट्टी करके गया, मेरा एक दिन का 1,000 रुपया पेमेंट बनता है, 1,500 रुपया 1,000-1,200 हमारा पेमेंट बनता है एक दिन का, वो मैंने अपना अपसेंट करके लिखवा करके मैं सेबी के ऑफिस में गया। सेबी के ऑफिस में जाने के बाद वहां पे लाइन लगाना पड़ा मुझे, वहां लाइन लगती है आदमी को, और वहां पे लाइन ऐसे लगता है जो कोई रसीद लेके खड़ा है, एक कोई अलॉटमेंट लेटर लेके खड़ा है, सर्टिफिकेट नहीं है, कोई ऐसा खड़ा है जो मेरा दादा का पॉलिसी था, दादा मर गया, मेरा माँ का पॉलिसी था वो मर गया, मेरे पास कुछ नहीं है, ऐसे लोग का वहां ताता लगा रहता है, वहां लाइन लगती है। और सेबी एक स्टाफ को बैठा दिया है गेट के ऊपर, लाइन लगा के उसके पास जाओ ना, वो एक पेपर लेता है
ना वो सही से बात करता है। वो बात क्या करता है, जो आपको मैसेज आया था तो उस पे हम लोग बताया उनको, जो भाई मैसेज तो आना हम लोग सोचा ही नहीं जो कभी मुझे से भी मैसेज दिया होगा। ठीक है, हम लोग कभी भूल, लगभग हमारा 55-60 कस्टमर पल्स इंडिया में है अभी फिलहाल, हमारा पर्सनल और हमारे एजेंट सब का वो अलग है, करोड़ों का धंधा मैंने किया हूँ पल्स इंडिया में। ठीक है, तो मैंने जब उनसे गया पूछा, जो सर जी आप ये पेपर सब जमा ले लीजिए, कोई 10,000 का है, कोई 15,000 का है, 20,000 का, 20,000 का नहीं, 15,000 से नीचे का ही था। मैंने सब सेट करके पेपर लेके गया, रिसीविंग लेटर तैयार करके गया था, जीरोक्स सबका करके गया था। जब उनके पास गया हूँ तो एक तो 1.5 घंटा लाइन के बाद उनके उनके पास नंबर आया। घनघोर बारिश हो रही थी, उसमें हम कैसे करके हम गए वहां। तो जब वहां गया तो वो बोलते हैं मैसेज नहीं आया है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मैंने उनसे बोला भी, आपके ऑफिस से बोला था, नहीं जो बॉम्बे वाले हैं वो पेपर यहाँ जमा कर सकते हैं, ऐसा ऐसा पेपर लगता है, तो मैंने फाइल बना के आया हूँ। तो बोला नहीं नहीं ऐसा मैसेज आपको आएगा तभी पेपर लेके आइए, ठीक है, अगर मैसेज नहीं आया तो आपको पैसा नहीं मिलेगा और ना आइएगा, आने का भी कष्ट नहीं कीजिएगा अगर मैसेज नहीं आता है। तो मैंने बोला वो मोबाइल बंद हो गया, वो आदमी मर गया तो कैसे मैसेज आएगा, पैसा कैसे मिलेगा, मोबाइल बंद हो गया, वो आदमी बम्बई छोड़ दिया, वो एजेंट बम्बई छोड़ दिया, जो एजेंट अपने नाम से 500 पॉलिसी का मोबाइल नंबर दिया था वो एजेंट नहीं है, एजेंट लापता है। तो कहने वाला ऐसे में क्या किया जाएगा, आप लोग तो ऑनलाइन को सपोर्ट कर रहे हैं, सभी सीनियर गण को मैं बोल रहा हूँ, सभी सीनियर पर PACL KMJ या लोकहित जो भी है, सभी सीनियर को मैं बोल रहा हूँ ये चीज, ये पूरे इंडिया में फैलना चाहिए। मैं विकास त्रिपाठी जी मैं बोल रहा हूँ, जो आप इसको डालिए, जो सेबी के ऑफिस में ये दबाव डालता है, जो कुछ भी यहाँ नहीं लिया जाता है, वहां एक भी पेपर किसी को नहीं लिया गया, न सही से वो जवाब दिया। तो फिर आप लोग क्यों बोलते हो सबको ऑनलाइन पेपर भेजो, ऑनलाइन पोस्ट ऑफिस द्वारा पेपर भेजो, ये करो, आप लोग लोगों को बरगलाओ मत। मैं सभी सीनियर से बोल रहा हूँ, जैसे सेबी बना रहा है वैसे सब सीनियर लोग भी छोटे लोग को बना रहा है। मैंने ऑफिस में जाके देख चुका हूँ, कुछ भी नहीं होता है वहां, सब बरगलाने वाली बात है। कस्टमर को 1 रुपया देने का इच्छा सेबी में नहीं है और ना ये गवर्नमेंट में है, सरकार भी नहीं चाहता जो 1 रुपया किसी गरीब को मिले। कितने गरीब पॉलिसी धारक मर गए, कितने एजेंट मर गए, लेकिन किसी को 1 रुपया देने का सेबी को चेष्टा नहीं है। सेबी कभी नहीं चाहता है जो मुझे 1 रुपया देना पड़े। आप लोग क्यों बरगला रहे हो पब्लिक को सीधा? हम तो बोलता हूँ जो सभी आदमी सेबी के ऑफिस में धरना की व्यवस्था करो, जब तक पेमेंट नहीं तब तक धरना हम छोड़ेंगे नहीं। त्रिपाल लगाओ, जो भी लगाना पड़े वो मैदान में लगा दो और सब आदमी वहाँ पे आराम से, वहाँ पर हम लोग लड़ने के लिए तैयार है। धरना पे सब आदमी बैठिए, चाहे 10 दिन हो धरना, 15 दिन हो, 30 दिन हो, 1 महीना हो, लेकिन हेड ब्रांच पे धरना का व्यवस्था कीजिए पूरे देश के लोग, और बांद्रा कुर्ला कम्प्लेक्स में धरना दे करके जब तक पैसा के लिए हाँ नहीं भरेगा, चेक द्वारा पेमेंट नहीं करेगा, ऑफिस में पेपर नहीं जमा करवाएगा, तब तक हम लोग वहाँ से उठेंगे नहीं। ये अगर विचार है सभी को तो ठीक है, नहीं तो ये बरगलाने वाली बात सब छोड़ के आँख बंद करके अपने अपने घर में बैठ जाइए। 1 रुपया देने वाला सेबी नहीं है, ना रहा है सेबी, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, सेबी में से 1 रुपया किसी को नहीं मिलने वाला है। धन्यवाद, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ, अगर मेरे साथ कुछ भी गलत हो तो सब माफ कीजिएगा, लेकिन मुझे विश्वास सेबी पर से उठ गया, मैंने आंख से देख लिया, बात करके देख लिया जो क्या हो रहा है, 1 रुपया किसी को मिलने का चांस नहीं है। अगर जब तक चेक द्वारा पेमेंट नहीं होगा या सामने बैठ करके पेमेंट अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करवाएगा तब तक कुछ नहीं हो सकता है। ये व्यवस्था करना है, सेबी अगर पेमेंट देना है तो हम लोग को अकाउंट में दे, हम पॉलिसी
पेपर जमा करेंगे, वहां से ट्रांसफर करें मेरे अकाउंट में, तभी मुझे विश्वास होगा कि सेबी पैसा देगा। नहीं तो मुझे तो एक पैसा विश्वास नहीं है सेबी के ऊपर जो पैसा किसी को देगा। 8 साल 8.5 साल गुजर गया और आज भी वही चीज कर रहा है जो 8 साल पहले बोला था, उससे आगे कुछ भी विकास का काम नहीं हो रहा है। झूठे आप लोग खोकट में आप लोग को परेशान कर रहे हो जी, ये हो रहा है वो हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है उसमें। विकास त्रिपाठी जी, इस चीज वॉइस कॉलिंग को सभी जगह फैला दीजिए, जो सब समझे जो सेबी ऑफिस में क्या हो रहा है। सेबी ऑफिस बहुत गद्दारी कर रहा है गरीबों के साथ। एक रुपया देने का कोई चांस मैंने नहीं देखा हूं जो सेबी को पैसा देने का इच्छा हो। धन्यवाद।